नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एडियो स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किसी भी एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा ये कोई क्लियर नहीं होता है। कोई सवाल आसान नहीं होता, ना ही कोई सवाल जो है टफ होता है। कोई भी सवाल जो है किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये 200 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो पूरा आप देखिए और अपने आप को देखिए कि आप कितने ऑब्जेक्टिव इसमें सही कर पाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात जो है मुंबई से सटा हुआ है और महाराष्ट्र के पास और गुजरात से जो सटा हुआ जो दूसरा देश है, यानी कि अपने देश को छोड़कर के पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है? इसमें ऑप्शन आपका है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। तो वहाँ पे कौन सा देश है? वहाँ पे है आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आपका पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी है, मेघना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, मतलब जिसमें क्षेत्रफल ज्यादा हो और जनसंख्या कम हो। ऑप्शन है आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा। तो वो राज्य कौन सा है? आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आंसर आपका बी है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? ऑप्शन है आपका रीवा, ग्वालियर मुगल या ग्वालियर मुगल या मालवा। रीवा ग्वालियर मालवा या रीवा मुगल मालवा। तो इसका सही आंसर है रीवा ग्वालियर और मुगल से। तो आंसर आपका इसमें ए है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ऑप्शन इसमें है आपका बांसुरी, तबला, शहनाई या सरोद। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो है आपका शहनाई, शहनाई बजाते थे वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो क्रीम अलग होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपका है इसमें अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो इसमें सही आंसर होगा आपका अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो है बाहर की तरफ लगता है और अभिकेंद्री बल जो है अंदर की तरफ लगता है। तो जब दूध मथते हैं तो उसमें बाहर की तरफ जो है बल लगता है, इसलिए जो है इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? जो सोडा धोने का होता है, धोने का सोडा, वो किसका प्रचलित है? तो इसका ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सबसे बड़ा पुष्प जो है कौन सा है? ऑप्शन है आपका कमल, सूरजमुखी, रेफ्लेसिया या गलोरी लिली। तो इसका सही आंसर होगा आपका रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा जो है पुष्प है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, वो किसने किया था? ऑप्शन आपका है मिलर ने,
खुराना ने, डीब्रीज ने या कैल्विन ने? तो इसका सही आंसर है आपका आंसर बी, खुराना ने। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन किसके लिए था? ऑप्शन आपका जल प्रदूषण के लिए, सांस्कृतिक प्रदूषण के लिए, वन कटाई के लिए या ध्वनि प्रदूषण के लिए। तो जब चिपको आंदोलन आया था उस समय वन कटाई के लिए था, क्योंकि लोग वन काटते थे तो इसलिए हुआ कि सभी पेड़ पौधों को आप चिपक जाएंगे तो क्या होगा कि लोग वन नहीं काटेंगे या कोई पेड़ पौधा नहीं काटेंगे, जिससे कि बाढ़ की समस्या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें समस्या थी, इस वजह से चिपको आंदोलन लाया गया था ताकि वन की कटाई रोका जा सके। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए। तो इसका सही आंसर है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, वो है आपका गैंडा के लिए। गैंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कितनी उसके पास भुजाएं होती है ऑक्टोपस के पास? तो वह है आपका आंसर 8। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? ऑप्शन आपके पास है पैरों में, हाथ में, मुंह में या डंक में। तो आप लोग जानते ही होंगे बिच्छू का डंक जो है, जब बिच्छू डंक मारता है मतलब कि तभी आपको जो है घाव लग जाता है उसे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उसका विष जो है डंक में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? आपका ऑप्शन है छिपकली, तिलचट्टे, केचुआ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस जीव में जो है रक्त उसका सफेद होता है, यानी उसको उसकी मृत्यु या उसको आप काट देते हैं ऐसा कभी होता है, तो वो कौन सा जीव है जिसका सफेद रक्त होता है? तो आपका इसमें आंसर है तिलचट्टा। तिलचट्टे में जो है उसके रक्त का रंग जो है सफेद होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है गाजर, बैंगन, नींबू या चावल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें गाजर, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है मांस, दूध, चावल या दाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसमें सही आंसर आपका जो है चावल है, चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु जो है हैजा का कारण जो है जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स बीमारी कौन, किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन आपका जो है इसमें विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।